ಅಭ್ಯಂತುರ ರದ್ದಾನ ನಮಖ ಸಿಖಲರ ಬಹ ಹದೇಂತ ಖಬರ್ ರಖ ಅಹತಿ ನಮಖ ಅಹೇಂತ ಖಬರ್ ರಖ ಅಲ್ಲರ ಬಿಯಾಂತು ಕೋ ಬಸ್ಸೋ ಕೋ ಬರೋ ಕೋ ತನ ನಮ ಸಿಯಾಂದುರ ಅಹೇಂತ ಖಬರ್ ರಖ ಅಲ್ಲರ ಬಿಯಾಂತು ಖ ಬಶಂದ ರಖ ಅಹತಿ ನಮಖ ಸಿಯಾಂದು ಗೋ ಬಸ್ಸೋ ಕೋ ಬರೋ ಕೋ ಬಹ ಬಹ ರಖ ಅಲ್ಲರ ಬಹ ಹತಿ ಅಂದುರ ಅದೇಂತ ಖಬರ್ ರಖ ಅಲ್ಲರ ಬಹ ಹದಂತ ಖಬರ್ ರಖ ಅಹತಿ ನಮಖ ಸಾ ಮೇರೆ ಖುದಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಜಬ್ ಮೈ ಸಂಡೆ ಕೋ ಪರಮೇಶ್ವರ 22 ಕೋ मॉर्निंग को जब परमेश्वर मुझे यहाँ से निकलना था उस समय परमेश्वर मैंने देखा कि मैं सब कुछ तैयारी करके जब घर के बाहर लॉक लगाने के लिए बाहर हुई उस समय परमेश्वर पिता मैं लॉक लगने के वक्त में परमेश्वर और उसके कुछ समय के बाद जस्ट अब लॉक लग ही गया वो समय में ये 105 औरत और उसके साथ जो उसका जादू टोना का पार्टनर है वो साथ निकले वो ग्राउंड फ्लोर से ऊपर आ रहे थे सीढ़ियों से जिस सीढ़ियों से मुझे जाना था और वो औरत ऊंची आवाज में बातें करते हुए आ रही थी और मेरे खुदा उसने वो टाइमिंग बराबर सेटिंग करके वहां से आवाज करते हुए चप्पल का आवाज और मुंह की बातों का आवाज करते हुए ऊपर चढ़ी थी। खुदा जब मैंने आत्मा में उसके बारे में इंक्वायरी किया परमेश्वर तेरे आत्मा ने मुझे बताया कि वो मुझे उस आवाज और उस पैरों के टाप और उसका यहाँ से आना जाना इसमें वो ट्रैप कर रही है। मेरे खुदा परमेश्वर मैं तेरे आत्मा के उस इंस्ट्रक्शन को याद करती हूँ और अभी मैं इसे प्रार्थना में लेकर आती हूँ। खुदा परमेश्वर मैं तुझे धन्यवाद कर रही हूँ कि मेरे लिए कोई भी बात तूने असंभव नहीं रखी है। अब परमेश्वर मेरे आत्मा के जगत में मेरी मम्मी और मैं जो परमेश्वर कल के दिन बाहर खड़े थे और परमेश्वर पिता उस समय वो जो औरत आ रही थी उसका जो ट्रैप था और फिर मेरे मम्मी के और मेरे बाजू से होकर अपने घर की तरफ उसका बढ़ना जो था उसका जो जादू टोना का पावर ऐड करने वाला जो पार्टनर है उसके साथ मेरे यीशु के नाम से मेरे खुदा पिता मेरे और मेरे मम्मी के स्पिरिचुअल रियाम में जो कुछ भी बोया गया है कल सुबह के समय में यीशु मसीह के नाम से मैं डिस्ट्रॉय कर देती हूँ। मेरे यीशु के नाम से वो रियाम जो उन्होंने कनेक्ट किया है और स्पेस इवल ब्रिज तैयार किया है यीशु मसीह के नाम से मैं उसे डिस्ट्रॉय करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे घर के अंदर प्रवेश करने के लिए हमारे जिंदगियों में तबाही मचाने के लिए जो भी एंट्रेंस उन्होंने खोला है उस सुबह के समय में यीशु मसीह के नाम से मैं उसे ब्रेक करती हूँ। वो ब्रिज बना नहीं रहेगा, वो ब्रिज पावरलेस हो जाए। यीशु मसीह के नाम की ताकत है जो परमेश्वर के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देता है। वो परमेश्वर का यहोवा का इकलौता प्रिय बेटा जो यीशु मसीह उसका नाम है वो उद्धार करता है मेरा और वो चंगाई करता है मेरा, वो छुटकारा देने वाला है मेरा। ओ वो सामर्थ का परमेश्वर का इकलौता प्रिय पुत्र जो मेरे लिए कुर्बान चढ़ाया गया ताकि मैं दुष्ट के सारे कल्पनाओं को तोड़ सकूं, उसके सारे सोचों के ऊपर मैं जय प्राप्त कर सकूं। मेरे यीशु के नाम से पिता मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ कि वो ब्रिज मैंने तोड़ दिया और अब परमेश्वर मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि कल और भी परमेश्वर जब मैं यहाँ से जाने के बाद जो परमेश्वर वहाँ दरवाजे चौखट या कहीं पर भी जो कुछ भी पैसेज में मेरे ना देखते हुए समय में बोया गया ऐसा षड्यंत्र का जो ट्रैप है यीशु मसीह के नाम से ओ रब्बा खतिया खो बना खल्ला रा सियां दुर्रा अहें तक खबर रख अहतीन अम्मा का सियां दुगो बुसो लर बब्बे खतीन नमा सियां दुगो बुशंदरा रदान नमस्से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं उसे डिस्ट्रॉय कर देती हूँ। ओ रब्बा खतिया खो ना तो बल से ना ताकत से पर मेरी आत्मा के द्वारा ओ लॉर्ड वी थैंक यू जीसस री बार रखा ल रहा अहतीन नमखा रहा अहतीन नमा सियांदु गो बोसो
धन्यवाद करती हूँ खुदा, धन्यवाद करती हूँ यीशु, धन्यवाद करती हूँ यीशु, धन्यवाद करती हूँ यीशु, ना तो बल से ना ताकत से पर मेरी आत्मा के द्वारा। ए शैतान, तेरी आत्माओं का जंगल मेरे आत्मा के क्षेत्र से मैं उखाड़ रही हूँ, मेरे मम्मी के आत्मा के क्षेत्र में से मैं उखाड़ रही हूँ प्रभु यीशु के नाम से। मेरा यीशु का आत्मा जो मुझे विश्वास देता है, मैं उसको एंट्री करने के लिए बोलती हूँ, और वो सारा जो तूने बोया है उसको उखाड़ कर फेंकने का मैं शब्द लगाती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। मैं उखड़ जा, तुझे आज्ञा करती हूँ, जितना भी सेटिंग तूने मेरे घर के अंदर, मेरे परिवार के अंदर, मेरे और मम्मी के बीच में लगाया सेटिंग, मेरे और मम्मी के विरोध लगाया सेटिंग, सब कुछ मैं उखाड़ती हूँ और बांध देती हूँ और जला के नाश करती हूँ और भस्म होने की आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। जो प्रभु यीशु का वचन कहता है कि अगर तुम्हारे पास राई के दाने जितना भी अगर विश्वास है तो तुम पहाड़ को खड़ जाओ कहो, समुद्र में जाकर गिर जाओ कहो, तो वो हो जाएगा। मेरे यीशु के वो आत्मा से जो विश्वास का आत्मा है, मैं यीशु मसीह के नाम से जितना भी रात के वक्त में शाम को जो तमाशा कर रहे थे यहाँ पर, बच्चों का चीखना, गड़बड़ियां करना, वो सारा माहौल, ए शैतान मैं तुझे उखाड़ रही हूँ यीशु के नाम से। ए शैतान मेरी आवाज को सुन और निकल मेरे रास्ते में से। ए शैतान मैं तेरे तेरे अंदर बाहर हर जगह यीशु के आग की घोषणा करती हूँ। और रबा बखता ना नमा सियांदुरा रद्दा ना नमा शके रबा गा सियांदुरा हदिया दुना खल्ला रबा हा देखे नमरा सियांदुगा बसा लहर कुर बर्रा खल्ला रबा हा अति नमा शंदर बाउरा लहर रबा बखता ना नमा सिया खूब रखा मरखा सियांदुरा लहर कुर बर्रा खा लहर बिया कुम ना खल्ला रहा सियांदुरा। मेरे आत्मा से परमेश्वर का आत्मा प्रबल और ताकत से भरकर ये युद्ध में मेरी सहायता हो खुदा परमेश्वर। मेरे अंदर से वो आग को बाहर आने दे जो ये शैतान के आत्माओं को झुलसा देगा, और भस्म करने वाला तू आग है, कंज्यूमिंग फायर है तू, इस पर मेरा विश्वास है खुदा। जितना भी बोया गया बीज है कल रात से लेकर परमेश्वर यीशु के सामने वो रख देती हूँ और उसे रौंद देती हूँ यीशु के नाम से। मैं सांपों को और बिच्छुओं को चल देती हूँ यीशु के नाम से। हो शा हल्ले रबिया थूना मखा सियांदुरा लरबा बेखतीना नमा सिया खूब रखा लरहा सियांदुरा एहन तो खूब शखा नमरा सिया खूब रसा। मेरे क्षेत्र से 20 किलोमीटर बाहर निकल जा तू, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस आई कमांड यू। और रबा खतिया खुबरा सियांदुरा रदान नमाशा जो डेट ठहराया गया है उपद्रव करने का यीशु मसीह के नाम से, उस डेट को मैं कब्जा करती हूँ और प्रभु यीशु का खून मेरे कब्जे किए हुए डेट्स के ऊपर लगा देती हूँ खुदा। हर एक डेट जो परमेश्वर शैतान के राज्य में रजिस्टर किया गया है हमको सताने के लिए, यीशु मसीह के नाम से उस डेट्स को मैं आजाद करती हूँ और प्रभु यीशु का कब्जा मैं उस डेट्स के ऊपर लेती हूँ। ए शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं है, मेरे यीशु का खून बोलता है और मेरा यीशु का खून तेरे ऊपर राज्य करने के लिए मुझे पावर देता है और अधिकार देता है। शैतान तेरे बखेड़े बंद कर और तेरे लोगों को मेरे से अलग कर दे। जो परमेश्वर का है वो मेरे सामने टिका रहेगा, जो परमेश्वर का नहीं है वो गिर जाएगा। तेरे सारे लोगों में से तेरी सारी करतूतें उखाड़ ले, उखाड़ ले। मैं यीशु के नाम से तुझे बोलती हूँ मुझे यहाँ रहना है और मेरे इर्द गिर्द लोगों को लेकर तू मेरे लिए कठिन माहौल नहीं बना सकता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तू उनके द्वारा ना भी ट्रैप किया है मैंने उसे शर्मिंदा किया है और आगे भी करती रहूंगी। शैतान तेरा राज्य मैंने तोड़ दिया है, मेरे ऊपर तेरा राज्य बैठ नहीं सकता है, यह मैं घोषणा करती हूँ तेरे ऊपर यीशु मसीह के नाम से। ओ जीसस रब बखता ना नमा सियांदुरा रद्दा ना नमा शखे नमरा सियांदुरा जवान सी और अजगर को तू लताड़ेगा यीशु मसीह के नाम से। तेरे सारे जवान सी और अजगर को मैं लताड़ती हूँ यीशु के नाम से। और रिखा बर्रा खता ना नमस्सा तू ना रात के भय से डरेगा और ना दिन दोपहर में उड़ने वाले मरी से। प्रभु यीशु के नाम से मैं वो सारे हानियों को तोड़ देती हूँ यीशु के नाम से। हो रब खतिया खूब रखा सियांदुरा दान नमा शंदर बाउरा जितना भी मेरे खिलाफ किया गया दिन दोपहरे में उड़ने वाले मरी ने, यीशु मसीह के नाम से मैं उसे ब्रेक करती हूँ और ब्रेक करती हूँ और ब्रेक करती हूँ और ठेपाट हो जा मेरे जिंदगी में से बाहर, मेरे मम्मी के जिंदगी में से, और
जीसस क्राइस्ट, तेरे नाम की घोषणा करती हूँ इस जगह में, और हमारी जिंदगियों को, हमारे प्राणों को, हमारे शरीरों को जिधर जिधर डिपॉजिट किया गया है, जिधर जिधर लटकाया गया है, जिधर जिधर बोया गया है और जिधर जिधर रौंदा गया है, जिधर जिधर हमारे जिंदगियों के जो जो हिस्सों के ऊपर कब्जा किया गया, ओ यीशु के नाम से मैं ब्रेक करती हूँ वो सारी ताकतों को, यीशु मसीह के नाम से मैं ब्रेक करती हूँ। मेरे खुदा, मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ, मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ, मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ। ओ रब बखता न नमस्सी अंदुर रद्दा न नमस्ंद रबौ रब बरा बरा खती आकुम न कस्सा अदेन तक बशिकेल रबी आकुम न खाल रहस्सा असे के बर्रे के बह बह बर्रे के न बर्रे ले रे ब्रिक के अंतर का लरस्सा। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, पवित्र आत्मा का अभिषेक बढ़ा परमेश्वर मेरे आत्मिक जीवन में और मम्मी के आत्मिक जीवन में, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का आत्मा बढ़ा। ओ अब्बा परमेश्वर, मेरे घर के पैसेज में, इर्द गिर्द में यीशु तेरा खून बढ़ा और तेरे पवित्र खून का बात, आहा क्या कहे खुदा परमेश्वर, वो कोई बलिदानों को परमेश्वर पिता तेरा खून डरता नहीं है। हालेलुया, तेरा खून मजबूत है खुदा। हालेलुया, तेरा खून जो मेरी शील्ड है, मेरी ढाल है, मेरे लोगों की ढाल है, मेरे सारे भविष्य की ढाल है, हर एक जो परमेश्वर का दास और दासियां है उनका ढाल है, उनके मिनिस्ट्री का ढाल है, हमारी जिंदगियों को इस पृथ्वी के ऊपर तेरा खून ढाल है खुदा। याहवे कितनी बढ़िया है ये तेरी औसम बात है खुदा, ये बहुत ही औसम है तेरे विषय में, बहुत ही खूबसूरत तेरे बेटे का लहू है खुदा, वो बहुत ही बढ़िया बातें करता है। धन्यवाद करती हूँ खुदा परमेश्वर, शैतान के राज्य में ऊंचा करती हूँ यीशु तेरा खून और कहती हूँ उसे ये खून जो बात करेगा वही होगा, और ये खून परमेश्वर का इकलौता प्रिय बेटे ने बहाया है मेरे लिए, मेरे परमेश्वर के लोगों के लिए और मेरे सारे जो भी मेरे से कनेक्टेड रहते हैं वो लोगों के लिए। यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे आज्ञा करती हूँ शैतान, तेरा लिखा पड़ा कुछ भी मेरे ऊपर और मेरे लोगों के ऊपर और मेरे परमेश्वर के दास दासियों के ऊपर, उनके मिनिस्ट्रीज के ऊपर काम नहीं करेगा। यीशु के नाम से तूने दिया हुआ सब षड्यंत्र मैं निकाल कर तुझे लौटा देती हूँ, तू ले ले और निकल जा, तू बेइज्जत हो चुका है, तू बेइज्जत हो चुका है। अगर तेरा कोई भी इंसान अभी तेरे से कुछ भी पावर लाकर मेरे खिलाफ कुछ करेगा तो याद रखना तेरे किंगडम की बर्बादी के झुंड मेरे परमेश्वर की ओर से निकलेंगे, तो याद रखना तुझे वो संभालना भारी पड़ेगा, तेरा किंगडम का पूरा बखेड़ा बना दूंगी मैं, निकल जा यहां से, पूरी तरह से निकल जाना है तुझे। मैं यीशु मसीह के नाम से तुझे यह वार्निंग देती हूँ, निकलना है तुझे, मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे फाइनेंस, कुछ भी तुझे नहीं मिलेगा, तुझे निकलना है यहां से यीशु मसीह के नाम से, तुझे निकलना है। ये जगह शांति की है, आत्मा की है, परमेश्वर के आत्मा की, यहां पर और कोई बखेड़ा करने वाला आत्मा काम नहीं कर सकता है। अरे तेरे लोग शर्म से झुक चुके हैं, वो पूरे मैं तुझे बता देती हूँ, वो लल्लू पंजो तमाशा है और कुछ नहीं है उनके पास, तू सिर्फ उनको अमावस्या पूर्णिमा के दिन चांद और रात के वक्त में पैसा खा के, बकरे खा के, बलिदान खा के और क्या क्या खाता है तू उनके मेहनत का, और फिर उनको तू पावर देता है। यीशु के नाम से मैं तुझे बोलती हूँ ये तेरे पावर को मेरा परमेश्वर हवे की तरह उड़ा देता है, निकल जाना है तुझे, निकल जाना है तुझे। यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे बोल रही हूँ तेरा पावर मेरे ऊपर काम नहीं करेगा, जो चट्टान है मेरे पास वो यीशु मसीह का चट्टान है और वो यीशु मसीह ही है जो मेरा चट्टान बना हुआ है, और उसके ऊपर तू ये आक्रमण लगा रहा है, मेरे परमेश्वर के घर के ऊपर तू आक्रमण लगा रहा है, मेरे परमेश्वर के दास और दासियों पर तू आक्रमण लगा रहा है। और शर्मिंदा हो जाए यीशु के नाम से तू, ओ यीशु के नाम से, जैसा कैन को परमेश्वर ने श्रापित किया था तेरे ऊपर वो श्राप बने रहे और तू कभी भी उस श्राप से आजाद नहीं होगा यीशु मसीह के नाम से। तू भटकता रहेगा, ये तेरे ऊपर श्राप है यीशु मसीह के नाम से। तेरे लिए कोई परमेश्वर का दास और दासियां नहीं रहेगी, तेरे लिए कोई प्रकार का परमेश्वर का फेवर नहीं रहेगा, मेरे यीशु के नाम से मैं घोषणा करती हूँ। डिटैच हो जा मेरे लोगों में से, मेरे में से, मेरे मम्मी में से, मेरे घर परिवार में से, हर एक वो इंसान जो ये प्रार्थना को ले रहा है अपने अंदर, उसके अंदर से
चल निकल 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 जा यीशु के नाम से। आई डोंट केयर हु यू आर, आई डोंट केयर तेरा नाम क्या, तेरी जात क्या है, तेरा क्या है इरादा उस इंसान के अंदर, आई डोंट केयर, तुझे निकलना है यीशु मसीह के नाम से। जो भी ये प्रार्थना को स्वीकारेगा वो छुटकारा पाएगा, उसका छुटकारा तू दोबारा कब्जा नहीं कर सकता है, दोबारा तू उसके ऊपर कब्जा नहीं कर सकता है। मैं यीशु के नाम की घोषणा उसके ऊपर करती हूँ और पवित्र उद्धार का दर्शन उसके अंदर मैं रिलीज होने के लिए मांगती हूँ, और परमेश्वर का आत्मा उद्धार के अंदर उसको रिलीज करने के लिए सहायता और अनुग्रह को लेकर आएगा और तू उसके सामने टिक नहीं सकेगा। उसके पैरों को मैं आशीषित करती हूँ, उसके हाथों को, हम सबके हाथों को, पैरों को हम आशीषित करते हैं, हमारी जुबान को यीशु के अभिषेक से हम भर देते हैं, हमारे मन को, सोचों को, हमारे कल्पनाओं को यीशु के खून से रंग देते हैं। शैतान, तूने नोहा के समय के वक्त सोचों के द्वारा बुराइयों को फैलाया था, अब ये सोचे तेरे लिए नहीं रहेगी, मेरे यीशु की सोचे हमारे साथ रहेगी, क्योंकि ये सोचे हम नहीं, हमने प्रार्थना में मांगा है और हमारा परमेश्वर वो सोचे होकर हमारे अंदर प्रवेश करता है। हालेलुया, ना तो बल से, ना ताकत से, पर मेरे परमेश्वर के आत्मा से। तू हारा हुआ है, इसीलिए निकल जा तू यहां से। अब तू तेरी सोचों से कामयाबी नहीं लेगा, अब तू तेरी सोचों से हमारे रास्ते नहीं भटकाएगा, अब तू तेरे सोचों से हमारे जिंदगियों को कैद नहीं करेगा। तेरी सारी ब्रिजस मैं ब्रेक करती हूँ, ब्रेक करती हूँ, और मैं आंखों से देख रही हूँ तुझे गिरता हुआ यीशु मसीह के नाम से। तू गिर चुका है, और एक बार जो गिर जाता है वो हमेशा के लिए गिर गया है। हालेलुया, वचन है ये। और हम जब परमेश्वर के साथ है, हम 7 बार उठाए जाते हैं, हमको गिरने के चांसेस ही नहीं रखता है परमेश्वर। इसीलिए भूल जा तू, तेरे लोगों को समझा दे तू, हमारे ऊपर चढ़ाई करना मूर्खता है, एक के बाद एक उनका नुकसान होता जा रहा है और फिर भी तू उनको पागलों की तरह हमारे पीछे दौड़ाता है। तेरा कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, उनका भी कुछ फायदा नहीं हो रहा है, समझदारी की बात है, छोड़ दे उनको, उनको रास्ता मिलने दे प्रभु यीशु का, और तू यहाँ से चले जाना है। यहाँ का एक भी इंसान तुम मेरे खिलाफ लाकर खड़ा नहीं कर सकता है, बेइज्जत हो जाएंगे वो। मैं तुझे बता देती हूँ, जब वो बेइज्जत होते हैं तो तू बेइज्जत होता है, याद रखना इस बात को, ये बात याद रखना, जब वो बेइज्जत होते हैं मेरे से तो बेइज्जत होता है, तेरी इज्जत निकल जाती है, तुझे चले जाना है, कोई फायदा नहीं है, तेरा कोई घमंड टिका नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं, तेरा रंग रंगेली कुछ नहीं टिकता है यहाँ पर, कुछ तेरे खून और तेरे कोई अमावस्या पूर्णिमा नहीं टिकते हैं यहाँ पर, कुछ नहीं टिकता है, तो बर्बादी ही बर्बादी है, कुछ नहीं है, लोग अपने प्राण खो रहे हैं तेरे काम करते करते, लेकिन वो कुछ प्राप्त नहीं कर जाते हैं। यीशु है वो यीशु ही प्राप्त करता है, और यीशु है वो यीशु ही मार्ग है, सत्य है, जीवन है, और वही के अंदर को भविष्य है तेरे लोगों के लिए, और तेरे लिए कोई भविष्य नहीं है, तुम लोग सब लॉस में हो, इसके लिए तुम लोगों को कुछ प्राप्त नहीं होता है मेरे से पंगा लेके, मेरे परमेश्वर के दासों से पंगा लेके कुछ प्राप्त नहीं होता है, मेरे परमेश्वर के दासियों से पंगा लेके तुमको कुछ प्राप्त नहीं होता है, तू तेरे लोगों के साथ तू बेइज्जत हो जाता है, इसके लिए तू बेइज्जत के लिए ठहराया गया है। यही घोषणा हम कर देते हैं आज कि तू और तेरे लोग बेइज्जत के लिए ठहराए गए हैं। अगर वो लोगों को तू छोड़ेगा तो वो प्रभु यीशु में आएंगे और वो इज्जत को देखेंगे, क्या रहती है इज्जत। मेरे परमेश्वर के पास जो सर ऊंचा होता है वो जिंदगी का एक बड़ा क्राउन है, वो ताज है, वो सबसे बड़ी सामर्थ है जो परमेश्वर के अभिषेक से मिलता है। तेरे पास कुछ नहीं है शैतान, कुछ नहीं है, तू फालतू में ये लोगों को खेल खिला रहा है, उनके पैसे बर्बाद कर रहा है, तू फालतू में उनके जिंदगियों को ना, उनकी ताकतों को, उनके पोटेंशियल को मिसयूज कर रहा है, कुछ नहीं है तेरे पास उनको देने के लिए। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है शैतान, तेरे पास कुछ नहीं है, तेरे पास लोग जिंदगी बर्बाद करने के लिए आ जाते हैं, यही तेरे पास और कुछ नहीं है, सिर्फ जिंदगी जिसको बर्बाद करने का है वही तेरे पास आ जाते हैं। और ये इतना बड़ा कैंपस के अंदर, ये एरिया के अंदर तूने इतने लोगों को बर्बाद होने के लिए ले लिया है, यही तेरा प्रूफ दिखता है यहाँ पर कि लोग तेरा सुनते हैं और मेरे ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ जाते हैं, लोग तेरा सुनते हैं और सेटिंग लगा देते हैं मेरे ऊपर, लोग तेरा सुनते हैं, तो ये दिखाई देता है ये लोगों को तूने बहुत ही
मूर्ख बना के रखा है। क्या है तेरे पास? तेरे पास का भविष्य मैं बताऊं तेरे को? रेवलेशन में लिखा है कि तेरा भविष्य उस जगह में ऐसे बंद कोठड़ी में डाला जाने वाला है, जंजीरों से बांधा जाने वाला है और अनंत आग में, अनंत काल के आग में झोंक दिया जाने वाला है। तेरा सारा किंगडम उसके अंदर खत्म होने वाला है। ये तेरा भविष्य है भाई। क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? लोगों को क्या सिखा रहा है तू? क्या सिखा रहा है? कौन सा मंत्र सिखा रहा है तू? कौन सी क्या बात सिखा रहा है? कौन सा बीमारी, कौन सा क्या करना क्या नहीं करना, क्या सिखा रहा है तू? बर्बादी सिखा रहा है तू? ये लोग तेरी मूर्खता में फंसे हैं। ये बुद्धिमान लोग हैं लेकिन तेरे मूर्खता में अंधे और पागल हो गए हैं। इसके लिए शैतान अब तेरे से तो फाइट कर रहा। हम परमेश्वर, जो हमारा धर्मी परमेश्वर है, उसके कारण हमारी जिम्मेदारी बनती है। अब ये वार्निंग तो हो गया, अब तुझे ये लोगों को छोड़ देना ये तेरे लिए सही रास्ता रहेगा, ताकि ये लोग मूर्खता से अपने बर्बादी को साथ लेकर ना चलेंगे, है ना। इसके लिए तुझे छोड़ देना है ये लोगों को। तो समझ जाना है, तुझे पता है परमेश्वर कौन है और हम किस परमेश्वर को जानते हैं। तू भी जानता है, हम लोग भी जानते हैं। इसीलिए अब तू समझदारी से इन लोगों को छोड़ दे, नहीं तो तेरा किंगडम बहुत खराब हो जाएगा। तेरा जो यूनिटी है ना, बहुत खतरे में पड़ जाएगी। ओके, और तेरे लोग बेइज्जत मारे जाएंगे। बेइज्जत, बेइज्जत, कुछ कुछ नहीं प्राप्त करते हुए चले जाएंगे। क्योंकि मैं नहीं बोल रही हूं, मेरे परमेश्वर का वचन है, दुष्ट का अंत निश्चित है, है ना। दुष्ट का अंत निश्चित है, समझता है ना तू? दुष्ट का अंत निश्चित है। तो दुष्ट का अंत ये परमेश्वर का शब्द है। तू दुष्ट है और तू दुष्टता करवा रहा है, तो दुष्ट का अंत होना तो निश्चित है ना रे, है ना। इसके लिए तेरे को अब छोड़ देना चाहिए उन लोगों को, ताकि उनका अंत ना हो जाए और परमेश्वर की रहम के नीचे वो आ जाए और भली जिंदगी को वो देख सके। तेरे पीछे पैसा बर्बाद किया है वो लोग, तेरे पीछे समय पे समय बर्बाद किया। सुबह उठा, जादू टोना, दोपहर हुआ, जादू टोना, 4 बज गया, जादू टोना, रात हो गया, जादू टोना, अमावस्या आ गया, जादू टोना। अरे क्या कर रहा है तू? कितना हमाली करवा रहा है तू उन लोगों से? कितना हमाली, उनका पूरा बेइज्जती मैं खुला पर्दाफाश देख रही हूँ। कितने मूर्ख है वो मैं खुला पर्दाफाश देख रही हूँ, कि खुद कब्र के अंदर पैर रख के खड़े हैं वो लोग, और नरक के अंदर पैर रख के खड़े हैं वो लोग, और वो अपने घमंड बता रहे तेरे ऊपर से, तेरी ताकत से। तेरा पैर किधर है भाई? तेरा पैर अनंत काल के आग में दे दिया गया है, और उनका पैर अभी तो लेके जा रहा है। मैं क्या देख रही हूँ ये लोगों के अंदर? तूने क्या क्या उनको सिखा के रखा है? क्या खाना, क्या पीना, कैसा धोखा देना, कैसा झूठ बोलना, क्या क्या तो इनके सोचों के अंदर से, इनके जनरेशंस के अंदर से, कितनी गहराई तक तू इनको, इनके जीवनों के अंदर चला गया है। अब तुझे मैं बोल रही हूँ, अब तेरा खेल खत्म हो गया है। क्योंकि हम लोग भी थे वैसे ही तेरे कब्जे में, लेकिन वो मेरा परमेश्वर है जिसने तेरे हाथों से हमको छुड़ा कर लाया है। और वो परमेश्वर मनुष्यों के लिए यीशु मसीह को बलिदान किया है क्रूस के ऊपर, ताकि मनुष्यों को वो छुड़ा सके। इसके लिए ये मनुष्य जो यहाँ इस कैंपस के अंदर, इस एरिया के अंदर, जो मेरे खिलाफ तूने खड़े करके रखे, मैं तुझे बोल देती हूँ, ये मूर्ख नहीं है, ये बुद्धिमान है, लेकिन उनको तूने मूर्ख किया है। अब मेरा परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर आएगा और वो मूर्खता को समझने लगेंगे, और वो बुद्धिमानी से सच्चाई का रास्ता पकड़ लेंगे, और वो होशियारी से इज्जत में जीना सीखेंगे, और तब उनकी जिंदगी का, अनंत काल का जीवन वो प्राप्त कर पाएंगे। समझा? तेरा खेल खिलौना उनके लिए नहीं है। तूने फालतू में उनको एंगेज करके रखा है, तूने फालतू में उनको एंगेज करके रखा है। कुछ नहीं है तेरे पास और तूने फालतू में उन लोगों को एंगेज करके रखा है तेरा काम करने के लिए। फालतू में गुलाम बना के रखा है तूने। मेरा यीशु जो है ना, वो गुलामी का जुआ तोड़ने के लिए आया है। मेरा यीशु को छुटकारा देने वाला कहा जाता है। वो रिडीमर है, वो सल्वेशन देता है, छुटकारा देता है। तो ये लोगों के लिए ही तो वो क्रूस पर चढ़ाया गया था। शैतान तो कमजोर है,
जब मेरा यीशु का क्रूस के ऊपर बलिदान हो गया है, ये लोगों के ऊपर अपना जोर मार के तो फायदा नहीं है तेरा, क्योंकि यीशु का बलिदान हो चुका है इन लोगों के लिए। अब तुझे ये सिर्फ इतना ही है कि हम लोग तुझे हथौड़े मार मार के भगा रहे, यही काम हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए अब यहाँ भी तेरा जो खेल तमाशा है ना, मैंने खत्म कर दिया है वो, ओके? क्योंकि यीशु मसीह के अधिकार को इस्तेमाल करा तो मेरा तो काम है ना भाई, मैं तो करूंगी ना वो। तो इसके लिए ये खेल तमाशा तेरा खत्म हो चुका है। तो ये एरिया से भी निकल जाना है, ये बिल्डिंग में से लोगों को छोड़ के जाना है, ये कैंपस में से चले जाना है, कुछ नहीं है तेरा। तेरा कोई कोई कितना भी महारथी रहने दे, कुछ नहीं है उसके पास, क्योंकि मेरा परमेश्वर का शब्द आ चुका है ये लोगों को बचाने का। इसके लिए तू निकल जाना है यहाँ से, हमेशा के लिए निकल जाना है, हमेशा के लिए। जब वो मेरे परमेश्वर का आत्मा का आवाज सुनेंगे ना, तो वो तुझे ऐसे धक्के मार मार के निकालना शुरू करेंगे, तो तू खुद भी सोच में पड़ेगा, मैं इन लोगों को ना ही ऐसा सिखाता तो अच्छा होता था। इसीलिए अब तुझे निकल जाना है, मैं यीशु के नाम से तुझे बोल चुकी हूँ। और अब इसके बाद ये लोगों के अंदर तेरा कोई बीमारी नहीं रहेगा, ये लोगों के अंदर तेरा कोई झूठापन नहीं रहेगा, ना कोई तेरे कोई कारनामे रहेंगे, ना कोई ट्रिक्स तेरे इस्तेमाल कर पाएंगे, और ना ही वो तेरे ऊपर पैसा डालेंगे, ना ही तेरे को कोई खून चढ़ाएंगे, कुछ नहीं करेंगे ये लोग, कुछ नहीं, क्योंकि उनको मालूम पड़ गया सब वेस्टेज है तेरे ऊपर करना, मालूम पड़ गया है। इसीलिए अब तू एक काम कर, निकल जा यहां से, और उनके पैसे उनके जिंदगी के लिए रहने दे, उनका जीवन उनको आगे कुछ करने के लिए रहने दे, उनका जो ताकत है एनर्जी है वो परमेश्वर के अच्छे भले दिन देखने के लिए रहने दे। अब तू बस हो गया उनके अंदर का खेल तमाशा, अब चल निकल, बहुत आता है तेरे को, बहुत ट्रिक्स आता है तुझे, चल निकल अब तू यहां से, चल निकल जा, मेरे पास तेरे लिए कोई टाइम नहीं रहता है, मैं सिर्फ तेरे को मारते रहती हूँ, वो मेरा काम है तुझे मारना, मैं मारते रहूंगी तुझे, वो तो मेरा काम बंद नहीं होगा। अब तू ये लोगों के ऊपर से हाथ हटाने का काम कर, मेरे परमेश्वर के स्वर्गदूत है यहाँ पर उनको उस रास्ते से अलग करने के लिए, परमेश्वर का आत्मा भेजा गया है जिसको सच्चाई का आत्मा कहा जाता है, और वो सच्चाई का आत्मा काम कर रहा है उनके ऊपर, वो देख रहे हैं मुझे, मेरे पावर को देख रहे हैं, उनके ट्रिक और ट्रैक जो उन लोगों ने तेरे से सीखा है उसको भी वो चल चुके हैं, उनको कंपैरिजन करना अभी शुरू हो गया है, वो कंपेयर करके देख चुके हैं, नहीं नहीं ये कुछ तो अलग ही है, ऐसा उनको समझ में आ चुका है, तो उनके अंदर अभी वो रोशनी आना शुरू हो चुका है। अब तुझे यहाँ से चले जाना ही बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से, तो तुझे यहाँ से अभी उनको छोड़ देना ही बुद्धिमानी रहेगी, क्योंकि तू मूर्ख है, तेरे को मूर्खता ही करना है, तो बुद्धिमानी की बात ही नहीं रहती है तेरे पास। ठीक है, कोई बात नहीं है, तू वो एक बुद्धिमानी का शब्द मेरा सुन ले, निकल जा यहाँ से, क्योंकि मैं यहाँ पर प्रकाश हूँ, मेरी जिंदगी को प्रकाश कहा गया है, इसके लिए ना ये प्रकाश अंधेरे में चमकता है, मैं यहाँ पर तेरे लोगों के बीच में हूँ तो मैं चमक रही हूँ, क्योंकि मेरे गुण और उनके गुणों में फर्क है। चाहे तू कितना भी गंदा कुछ भी करवा दे मेरे ऊपर, तो भी मेरे गुण तेरे वो गंदे करवाने से कुछ भी बिगड़े नहीं है, वो मेरे परमेश्वर का आत्मा है, मेरे गुण मैं नहीं हूँ, मेरे परमेश्वर का आत्मा है। इसीलिए उनके अंदर वो गुण दिखने लगे हैं, और वो दिख चुके हैं, और वो उसके सामने नम्र भी हो चुके हैं, क्योंकि वो मनुष्य है, परमेश्वर ने बनाया है उनको, उनको वही जिंदगी प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने मुझे यहाँ सैंपल के तरह लाके रखा है, वो मुझे देख रहे हैं कि बिलीवर्स कैसे रहते हैं, परमेश्वर कैसा रहता है, आराधना कैसी होती है, और परमेश्वर के आत्मा का काम कैसा होता है, और छुटकारा कैसे आता है, सब देख रहे हैं वो देख रहे हैं। इसके लिए उनके अंदर का वो देखने का जो रास्ता है ना, वो मेरे परमेश्वर ने अरेंज किया है, और उस रास्ते के अंदर से ही वो अभी परमेश्वर की ओर अपना हृदय दे रहे हैं। इसके लिए तू अभी यहाँ पे उनके ऊपर कुछ और तेरा कुछ चढ़ा चढ़ाया बना बनाया किया कराया करा के कुछ नहीं है, वो फेलियर है, वो अपना पैसा बर्बाद कर रहे, ताकत बर्बाद कर रहे, लोग अपने समय बर्बाद कर रहे, और कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है उनको, उनको समझ में आ चुका है ये, उनको समझ में आ चुका है।
ये तेरा खेल तमाशा खत्म हो चुका है, अब तुझे यहां से निकल जाना है, ये लोग तेरे लिए नहीं है, निकल जाना है तुझे। मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से बोलती हूँ, यहां से निकल जाना है। ये रियाम प्रभु यीशु से भर चुका है, ये घर प्रभु यीशु से भरा हुआ है, इस घर का हर एक चीज प्रभु यीशु के लिए है, यहाँ कुछ भी तेरे लिए नहीं है, और मैं सैंपल हूँ, सैंपल प्रकाश, समझ में आया, मैं सैंपल हूँ यहाँ ये लोगों के बीच में, ठीक है। इसके लिए वो सैंपल पीस जो रहता है ना, वो हमेशा ऊंचे पर रखा जाता है ताकि लोग उसे देख सके, समझ में आया। तो इसके लिए ये लोगों के पावर्स को फेल करना ये मेरा काम है, आया समझ में। ये लोगों के पावर्स तेरी ओर से आते हैं, और ये लोगों को ये प्रूव करके देना कि उनके पावर्स फेल होते हैं, ये मेरा सैंपल होने का प्रैक्टिस है यहाँ पर, आया समझ में। जिम्मेदारी है मेरा इसके लिए, तेरा काम फेल करना ये तो मेरे लिए खेल खिलौना है। अब तेरा काम इतना ही बनता है, ये लोगों का रास्ता अब छोड़ दे, इनके जनरेशन परमेश्वर में आने दे और निकल जा। प्रभु यीशु के खून की तलवार मारकर मैं तेरा और इनका रिश्ता करती हूँ। रबा खतिया खुबर्रा सियांदुरा रद्दा ननमा शंदर बौरा, परमेश्वर का आत्मा जो तलवार बनकर मेरे जुबान में शब्द होकर आता है, उस शब्द की घोषणा करती हूँ कि जगत में जो ज्योति आई है, उसका जो उजियाला है, वो इन लोगों के अंदर प्रकाशमान होने लगे। प्रभु यीशु के नाम से हर एक जो मेरा विरोध कर रहा है यहाँ पर, उसके अंदर वो प्रकाशमान, वो उजियाला होने लगे, वो ऊंचा, वो बड़ा सा प्रकाश, वो बड़ा सा उजियाला इनके जिंदगियों के ऊपर उभरने लगे। जिधर प्रकाश, जिधर उजियाला होता है, वहां अंधेरा टिक नहीं सकता है, अंधेरा प्रकाश को अटका नहीं सकता है, अंधेरे की ताकत प्रकाश के सामने कमजोर पड़ जाती है, और प्रकाश ऊंचा रहता है। प्रकाश को कोई भी जगह में एंट्री करने के लिए ज्यादा जोर लगाना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सबसे मजबूत है। परमेश्वर प्रकाश है, परमेश्वर के मुख का प्रकाश ये लोगों के ऊपर चमके और इनको उद्धार के रास्ते दिखने लगे। इनके मन की कुटिलता, जिसको शैतान ने कब्जा करके रखा है, वो कुटिलता खत्म हो जाए। परमेश्वर का आत्मा उनके हृदय को प्रकाशमान करने लगे, उनके हृदय की गंदगी की अवस्था को वो माफ कर दे और परमेश्वर के आत्मा से उनको भरता जाए। मेरे परमेश्वर का आत्मा उनके जिंदगियों के अंदर के हर एक शैतान के कवनेंट्स को ब्रेक करे, हर एक शैतान के चढ़ाई करने के लिए जो भी उन्होंने पावर्स को लेने के लिए जो भी अपने आप को बेचा है, वो सब कुछ, उनका डीलिंग, वो बेच दिया गया सब कुछ अब खत्म हो जाए और नया सिरा, न्यू क्रिएशन ये लोग तैयार हो जाए, ये बॉर्न अगेन क्रिस्टियंस बन जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ये बपतिस्मा ले ले, पानी में डुबकी लगाकर और पवित्र आत्मा के अगुवाई में वो भर भर कर चलने लगे। परमेश्वर का अभिषेक इनको चलाए, परमेश्वर का इकलौता प्रिय पुत्र जो प्रभु यीशु मसीह है, वो इनका मार्ग बने, सच्चाई बने और अनंत काल का जीवन बने, और वो अनंत काल के जीवन का फल चख ले और उसके अंदर वो प्रवेश कर ले, वो स्वर्ग का दरवाजा उनके लिए खुल जाए और परमेश्वर की आजादी और उसका करुणा, उसका अनुग्रह इनका पीछा करता हुआ आ जाए। मेरे परमेश्वर की आंखें इनके ऊपर आ जाए, मेरा परमेश्वर का प्रेम इनके हृदयों में भर जाए, मेरे परमेश्वर की आंखें इनकी आंखों को शुद्ध करे, जो आंखों ने दुष्टता के जगत में समय बिताया है, अंधेरे से समय बिताया है, जो आंखों ने दुष्टता से प्रेम किया है, जो आंखों ने दुष्टता की लालसाएं रखी है, वो सब कुछ खत्म हो जाए, उनके ब्रेन के अंदर से, उनके ब्लड के अंदर से खत्म हो जाए, उनके बॉडी में से, उनके मांसपेशियों में से खत्म हो जाए, उनके सारे शब्दों में से खत्म हो जाए, उनके सोल में से, स्पिरिट में से वो अंधेरा खत्म हो जाए, प्रकाशमान हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर का बड़ा उजियाला उनके अंदर आ जाए, और जो भी अपनी ताकत को अंधेरे से लेता है वो अब खत्म हो जाए, जो अंधेरे से उनको मिलता है वो अब खत्म हो जाए, जो अंधेरा उनको देता है वो अब खत्म हो जाए, जो अंधेरे के अंदर उनकी विश्वास और आशा का गढ़ है, यीशु के नाम से वो ब्रेक करती हूं मैं, ओ 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 ब्रेक 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 ब्रेक
करती हूँ यीशु के नाम से। और रब बखता ना नमा सियां दुरा रद्दा ना नमा शकेरे बेरिकती ने नमा सियां दुरा रद्दे ना नमा शके नमा रासिया खूबरा सियां दुरो। मेरे यीशु के नाम से, मेरे यीशु के नाम से अब मैं और रब बखता ना नमा सियां दुरा रद्दा ना नमा शके नमा रासियां दुरा उनके घर के अंदर, उनके शरीर के अंदर जो डिपॉजिट्स रखा गया है, जो शैतान की ओर से है, वो सब कुछ जो शैतान का चीजें हैं, वो सब कुछ और जो शैतान का चिन्ह है, वो सब कुछ यीशु के आग से मैं जला देती हूँ। ऐ शैतान देख ले, मैं जला रही हूँ। यीशु मसीह के आग से मैं जला देती हूँ, 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 जला देती हूँ। यीशु के नाम से मैं जला देती हूँ। उनके ऊपर तेरा कोई चिन्ह टिकेगा नहीं, तेरी आत्मा उनको पहचान नहीं सकेगी, तेरा कोई कवेनेंट उनके ऊपर दिखाई नहीं देगा, तेरा कोई भी उनके ऊपर चढ़ाया हुआ कोई रोष और कोई चमक उनके ऊपर नहीं रहेगी। यीशु मसीह के नाम से वो सब कुछ मैं मिटा देती हूँ। जो कुछ तूने उनको दिया है उनके शरीर प्राण आत्मा को चलाने के लिए, वो सब कुछ मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ, डिसमेंटल करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं डिसमेंटल करती हूँ, डिस्कनेक्ट करती हूँ जो तूने उनके साथ कनेक्शन जोड़ रखा है यूनिवर्स के अंदर। ओ यीशु के नाम से ओ फूट जाए, फूट जाए, ओ फूट जाए, यीशु के नाम से वो फूट जाए। रब बखता ना नमा सियांदुरा, जो आत्मा के जगत के अंदर तेरा नेटवर्किंग है इनके साथ, यीशु के नाम से ओ ब्रेक 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 ब्रेक, वो सारे नेटवर्क ब्रेक हो जाए। ओ यीशु के नाम से चांद के साथ, सूरज के साथ, और जो भी रात और दिन के साथ, और जो भी हेवनली बॉडीज के साथ उनका जो भी रिश्ता है, यीशु के नाम से ब्रेक हो, ब्रेक हो, ब्रेक हो, ब्रेक हो जाए यीशु के नाम से। रब खतिया खुबर रखल रब हाहा देन तक खबर शंद रब बरा रदेन नमसा, तेरा खेल खत्म है शैतान। रब खेती नमसी अंधुरा, तूने अगर वो तेरी काम नहीं करेंगे तो जो उनको बर्बाद और मृत्यु का, जो बीमारी का, जो तूने तेरे साथ पनिशमेंट्स का अवसर लगाए रखा, ए कमान लेकर जा तेरे सारी गंदी बातें, बर्बाद कर देती हूँ तेरे सारे बातों को मैं, तू काम नहीं कर पाएगा ये लोगों के ऊपर। मेरे यीशु का स्वर्ग दूत तेरे खिलाफ खड़ा है और वो इनको बचाएगा। ए गेट आउट, उनको डरा मत, निकल जा यीशु के नाम से। शाबारा खता ना मखा सियांदुरा रद्दा ना नमा शकेर बगा सियांदुरा हदेन दगा बर्रा खलर बहा दिया खुम ना खलर हसा अहेन तखा बर्रा शंदर बौरा, परमेश्वर इनके लिए फाइट करेगा। तू निकल जाना है ए शैतान, हट हट, तेरी वेदी को मैं तोड़ देती हूँ यीशु के नाम से। तेरी वेदी जो तूने इनके घरों में, इनके जिंदगियों में बना के रखी है, मैं यीशु मसीह के नाम से तोड़ देती हूँ। रब खतिया खुबरासा, वो मूर्तियां, वो वेदियां और जो चिन्ह इनके पास, इनके घरों में रखा गया है, यीशु के खून से मैं उनको धो देती हूँ। अब उसके ऊपर तेरा चिन्ह नहीं है, वो जनरल थिंग्स हो जाएंगे, वो जनरल है, जनरल कुछ नहीं है। जैसे धूल मिट्टी कण रहते हैं वैसे वो है, उसके अंदर तेरा कोई पावर बसेरा नहीं कर सकता है। यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा करती हूँ, तेरा आत्मा का वो ठिकाना नहीं रहेगा। हे गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आई कमांड यू, निकल निकल। आई डोंट केयर, आई डोंट केयर कौन है तू, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, तू निकलना है और मेरी आवाज से तो झुक जाना है, इससे ज्यादा तेरे लिए कुछ नहीं है। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। और रब खतिया खुबरा सियांदुरा रद्दान नम शंदर बौरा हदेन दग बरा खल रब हदेन तिखे बर्रे खेल रुबो अहान तक हबा शखे नम रियांदुरो ऐसी खेल रहा हदेन तक खबर रखा अहनी मरा बखल रहा हदेन तक ओहांश का लहस कुर बर रखा दो खल रहा तीन तबर रखल रहा अहान तक खबर शके ने मेरी यान तो खबर सा। उनके नाम लेने के वक्त में जो शैतान का एनर्जी ओपन होता है वो डिस्ट्रॉय करते हो, उनके नाम लेने से जो शैतान का शक्तियां निकलता है, ऐ शैतान क्या है तेरा उसके अंदर, उसके अंदर क्या तेरा रहस्य है, क्या तेरा भेद है, फोड़ देती हूँ यीशु के नाम से, और फोड़ देती हूँ यीशु के नाम से, और फोड़ देती हूँ यीशु के नाम से। हो रगाला रब्बा हदिन तगबर रखल रब्बा हो दाना मा शंदर बौरा, जब भी उनका नाम पुकारा जाएगा मेरे परमेश्वर के स्वर्ग दूत हाजिर हो जाएंगे और मेरा परमेश्वर का स्वर्ग दूत तुझे मारेगा।
यीशु के नाम से तेरा खेल खत्म करेगा। हर समय जब भी इनका नाम पुकारा जाएगा, यीशु मसीह का स्वर्गदूत हाजिर हो जाएगा और तेरे किए कराए बखेड़े खत्म हो जाएंगे, कुछ काम नहीं करेंगे। तो जो भी उनके नाम के पुकारने से देता है वो शर्मिंदा कर दिया जाएगा, वो पावरलेस हो जाएगा। उनके नाम के ऊपर तेरा पावर खत्म हो जाए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। शबिया खुबरा खपरा खतना नमस्यांदुरा, उनके चेहरे को जो वो दिखाते हैं मुझे या किसी को भी, जो तेरे शक्तियों को काम करने के लिए तेरा ट्रिक है, यीशु के नाम से है फोड़ देती हो, ओ फोड़ देती हो, ओ फोड़ देती हो। उनकी आंखों में से, उनके चेहरे में से, उनके शरीर में से, उनके जुबान में से जो भी वो निकालते हैं सब कुछ है फोड़ 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 फट जाए यीशु के नाम से। हो लरब हत्यांगुरब लरसियांदुरा लरब बखतना नमा सियांदुरो रदाना नमा शंदर बौरा, तेरा काफी डैमेज कर दिया है मैंने, काफी गहरे में तुझे तोड़ फोड़ कर दिया है मैंने, अब तुझे यहाँ कोई काम नहीं है। उनका कोई भी चीज काम नहीं करेगा, कोई भी चीज, कोई भी चीज मेरे यीशु के खून के सामने तो सोच कैसा सकता है काम करेगा, कैसा काम करेगा तू मुझे बता, कैसा काम करेगा तू, काम नहीं कर सकता है मेरे यीशु मसीह के खून के सामने। अरे मूर्ख, ये लोग कैसे काम करेंगे, तू सोच के बता मुझे, तू सोच के बता, जब तू खुद इनको ताकत देने वाला काम नहीं कर सकता है, मेरे यीशु क्या खून देखने पर तू काम छोड़ के निकल जाता है। अरे तेरे से क्या प्राप्त करेंगे ये, जब मैं यीशु का खून इनके ऊपर लगाऊंगी क्या प्राप्त करेंगे ये, क्या तू देगा उनको, बोल दे मेरे को तू क्या देगा उनको। मैं तेरे को बोलती हूँ, इनको मेरे परमेश्वर ने चुन लिया है, अब ये मेरे परमेश्वर के लिए जिएंगे और मेरा परमेश्वर इनका परमेश्वर बनेगा, और ये परमेश्वर का शब्द मैं यहाँ पर रिलीज करती हूँ, इनके लाइफ के अंदर रिलीज करती हूँ, और ये तेरे सारे बखेड़े समझने लगेगा और ये सब कुछ छोड़कर मेरे परमेश्वर के आत्मा से भर जाएंगे और वो धर्म न्याय सच्चाई का रास्ता पकड़ लेंगे जो परमेश्वर का रास्ता है, और वो विश्वास के साथ जिएंगे। मैंने ये बात बोल दिया है, खत्म हो गया है। आई डोंट केयर, आई डोंट केयर तेरा हेड कौन है, तेरा टेल कौन है, तेरा कौन कौन है, आई डोंट केयर तेरा हाथ कौन है, तेरा पैर कौन है, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर तेरा बदन कौन है, तू कौन है, आई डोंट केयर। मैं तोड़ के रखती हूँ सब कुछ, नर्क के आग में जलाने के लिए दे देती हूँ, चले जा यीशु के नाम से, जल जा। और रब खतन नम सियांदुरा रदान नम शके नमरा सियांदुरा हदेन दग बर खल रब हदेन तक बर रख हती नम खा। जो भी परमेश्वर पिता चार्म बना के लाया गया है, जो परमेश्वर पिता चोरी नाश घात करने का रास्ता खोलता है, उस चार्म का जो इंसान है, जो चीज है, वहां पर अटैक कर परमेश्वर, अटैक कर, अटैक कर, अटैक कर, गहरा गहरा सच्चाई वहां पर रिलीज कर। तेरा सच्चाई छुटकारा लाती है, तेरा आत्मा छुटकारा लाता है, जहां तेरा आत्मा है वहां आजादी है। उस चार्म का शक्ति जो अपोज करता है सच्चाई को, उसके ऊपर तेरा आत्मा रिलीज कर। ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस, याद है मुझे खुदा, गद्रीन में ऐसा ही एक इंसान था जिसके अंदर लिजियंस ऑफ डीमंस थे, जो किसी के कंट्रोल में नहीं आता था, जिससे गांव वाले डरते थे, जिसको लोहे के जंजीर से बांधा जाता था और वो तोड़ देता था, वो कब्रों में आवाजें करते हुए घूमता था, सुनसान जगहों में वो अपना डेरा रखता था। क्या कहो खुदा, मेरे शहर में भी ऐसे लोग हैं खुदा, पत्थरों से, पत्थरों को वो दांतों से तोड़ता था, मेरे शहर में भी ऐसे लोग हैं खुदा, मेरे शहर में भी ऐसे लोग हैं यीशु, उनके विषय में तू क्या कहेगा खुदा। तेरा आत्मा दे, मैं उनके अंत को नहीं, मैं उनकी जिंदगियों को मांगती हूं खुदा,
तेरा आत्मा चाहिए खुदा, जिधर तेरा आत्मा है तो कहता है वो जोर आजादी लाता है, तो आजादी लेकर आ और उनको सही रास्ता दे। थैंक यू अब्बा, थैंक यू। मैं उन लोगों से प्रेम करती हूँ खुदा जो ऐसी अवस्थाओं में है जहां पर उनको लौट कर आने का कोई रास्ता नहीं है खुदा, जिनको पूरी तरह से शैतान ने अपना डेरा बना दिया है, मनमानी कर रहा है। ऐसे घर परिवार है खुदा जो बिल्कुल भी मनुष्य के जैसा जीवन नहीं जी रहे खुदा, पूरी तरह से शैतान ने उनको उनका गुलाम बना दिया है। मेरा दिल टूटता है उनके लिए खुदा, तेरा आत्मा आजादी लाता है, तेरा आत्मा काम करे और वो आजाद हो जाए। तेरी सच्चाई से आजादी आती है, छुटकारे आते हैं, तेरी सच्चाई प्रकट हो जाए और ये लोग छुटकारा प्राप्त करे। थैंक यू अब्बा फादर। कोई घर, कोई परिवार परमेश्वर तेरे राज्य का वारिस ना बनते हुए इस नगर में ना रहे परमेश्वर, सब कुछ तेरे राज्य बनने के लिए खोल कर दे दे खुदा, खोल कर दे दे खुदा। मैं यीशु मसीह के नाम से यह शहर को आशीषित करती हूँ, यह शहर के अंदर तेरा डेरा बढ़ने के लिए मांगती हूँ। यीशु मसीह तू ये शहर को कब्जा कर, ये जमीन को, आसमान को, हवा मंडल को, पानी मंडल को, आग मंडल को, हर एक प्राणी पक्षी को कब्जा कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हो खुदा, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू अब्बा फादर, थैंक यू अब्बा फादर, थैंक यू अब्बा फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। थैंक यू योर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। तू बढ़े और हम घटे, तेरी सच्चाई बढ़े और हम घटे, तेरी योजनाएं बढ़े और हम घटे। थैंक यू लॉर्ड। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है खुदा, तेरे अलावा मनुष्य गुम रहा है खुदा, गुम रहा है, राह बर बन, उनका राह दिखाने वाला बन परमेश्वर, उनके साथ चलने वाला बन खुदा, उनको तसल्ली देने वाला बन खुदा। कोई हॉस्पिटल्स जहां पर आशा खो दिए लोग हैं, तो उनकी आशा बन जा। जो भी अपने घर परिवार टूटते हुए देखे हैं, तो उनका घर बना दे। जो बीमार अवस्था देखकर अपना हौसला खो चुके हैं, उनका हौसला तो बन जा। उनके रिपोर्ट्स बदल दे, उनके फाइनेंसेस तो ठीक कर, उनकी चंगाई, उनकी आशा, उनके जीवन का उमंग एक बार दोबारा बढ़ा के दे दे खुदा, ताकि वो धर्म, न्याय और सच्चाई का रास्ता जी सके। तेरे महिमा के लिए होने दे परमेश्वर, तेरे महिमा के लिए। यीशु मसीह के नाम से ये विनतियों को, प्रार्थनाओं को मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर के आत्मा आकर हमारी सेवा कर, परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी सहायता करे, सेवा करे, और हमें परमेश्वर के राज्य में ऊंचा करने में हमें रास्ते लेकर चले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमेन। प्रभु यीशु का खून हम सबके ऊपर आ जाए जिन्होंने ये प्रार्थनाएं सुनी है, हमारे सारी चीज़ों के ऊपर, हमारे जिंदगियों से जुड़ी हुई हर एक बात के ऊपर जो परमेश्वर की है, वो सब के ऊपर मेरे खुदा यीशु मसीह का खून लग जाए और हम स्वर्गदूत से घेर लिए जाए, परमेश्वर के आत्मा का आग का बाढ़ा हमें घेर ले और हमारी जिंदगियों को सफल बना दे परमेश्वर के योजना के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट।